खुशी की बात तो ये है दोस्तों, आज तक ये दवा जिसको जिसको दी गई है सबको आराम हुआ है और सबका सफ़ेद दाग जड़ से गायब हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी घरेलू ज्ञान चैनल। अगर आप भी विटिलिगो या सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके सफ़ेद दाग को जड़ से ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। अगर आपने इस दवा का इस्तेमाल कर लिया तो कितना भी पुराना सफ़ेद दाग हो दोस्तों, आपको राहत मिल जाएगी और आपका सफ़ेद दाग धीरे धीरे जड़ से गायब हो जाएगा। बस आप ये दवा, असली दवा का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। और अगर आपको दवा नहीं मिल पाती है, अगर आपको पेड़ की छाल नहीं मिल पाती, अगर आप दवा नहीं बना सकते, अभी तो मैं दवा बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मेरे पास कॉल करिएगा दोस्तों। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास कॉल करते हैं और मुझसे दवा मंगवाते हैं और लोगों को काफ़ी आराम हुआ है। बहुत से लोगों का सफ़ेद दाग जड़ से ठीक भी हो चुका है। तो आप कोशिश करिएगा दोस्तों, मैं अभी आपको तरीका बताऊँगा दवा बनाने का। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, अगर आप नहीं बना सकते तो आप मेरे पास कॉल करिए। मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दूँगा, आप मेरे पास कॉल करिए दोस्तों। जितना मेरा लागत आता है दवा बनाने में दोस्तों, उतना पैसा लेके मैं आपको दवा प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, मेरा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं, सफ़ेद दाग के रोगियों का इलाज करना है और मैं वो करूंगा। अगर आप दवा स्वयं बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना सकते तो मेरे पास कॉल करिए, मैं आपको दवा भेजूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ की छाल रखा हुआ हूँ। दोस्तों, आप जानते होंगे एक जंगली पेड़ होता है जिसे जंगली अंजीर, बनगुलर या कहीं कहीं कठुमर भी बोला जाता है, और बनगुलर होता है दोस्तों। और इससे, इसकी छाल से दोस्तों बहुत से सफ़ेद दाग के रोगियों का इलाज किया जा चुका है। लगभग 10,000 लोग इस छाल का लाभ उठा चुके हैं और अपना सफ़ेद दाग जड़ से ठीक कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होता है, आप एक बार यकीन करिए दोस्तों। मेरा मकसद पैसा कमाने का नहीं है दोस्तों, आप लोगों की सेवा करने का मकसद है। और मैं इससे पहले बहुत से लोगों को दवा भेज चुका हूं और बहुत से लोगों का सफ़ेद दाग ठीक भी हो चुका है, बहुत से लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन आप यकीन करके एक बार इस दवा का इस्तेमाल करिए और हो सके तो अपने आप बनाइए। मैं ये नहीं कहता मुझसे मंगवाइए दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे पैसा कमाने का जरिया, दोस्तों मुझे पैसा नहीं कमाना है, आप ये दवा अपने आप बनाइए। अगर आप नहीं बना सकते तो मेरे पास कॉल करिए, मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो छाल देख रहे हैं दोस्तों, ये बनगुलर होता है दोस्तों। मैं भी उसकी फ़ोटो डाल दूँगा बीच में, उसके पत्ते का, फल का। दोस्तों, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसकी छाल निकाल के ले आइए और धूप में सुखा लीजिए। दोस्तों, 5 से 7 दिन आप धूप में बढ़िया सुखाइएगा तो इसे छाल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको इसको घिस कर या पीस कर सफ़ेद दाग पर लगाना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सफ़ेद दाग जड़ से गायब होने लगा है। और उसके बाद दोस्तों, दूसरा चीज़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे बागची बोला जाता है और बहुत से लोग होंगे जो बागची का इस्तेमाल कर भी चुके होंगे और उनको आराम नहीं हुआ होगा। दोस्तों, बागची से सफ़ेद दाग का इलाज होता है और जिसका सफ़ेद दाग बढ़ रहा होता है उसका भी इलाज होता है। लेकिन बस आपको इसको बनाने का तरीका नहीं पता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं बागची का पाउडर बनाकर रखा हुआ है पैकेट में पैक करके, और जो मेरे पास कॉल करता है दोस्तों, मैं उसको यही पैकेट में दवा भेज देता हूँ। और दोस्तों, अगर आप बागची का पाउडर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपको भाई, आप 200 ग्राम 250 ग्राम बागची ले आइए दोस्तों, और आपको लाना है गौमूत्र। दोस्तों, अगर आप ताज़ा गौमूत्र लेते हैं डायरेक्ट गाय से तो आपको इसको 7 बार छान लेना है। और अगर आप पतंजलि का गोधन अर्घ लेते हैं तो दोस्तों वो पहले से फिल्टर रहता है। दोस्तों, आप बागची को किसी कांच के बर्तन में डाल दीजिए, किसी जग में डाल दीजिए, उसके बाद आपको उसमें डाल देना है गौमूत्र। दोस्तों, आप गौमूत्र इतना भरिए कि बागची पूरा डूब जाए। उसके बाद दोस्तों, आपको हर तीसरे दिन गौमूत्र को फेंक कर नया गौमूत्र डालना है, और ऐसा आपको 7 बार करना है। और ऐसे ऐसे हर तीसरे दिन करेंगे तो 21 दिन हो जाएगा। 21 दिन होने के बाद दोस्तों, आप बागची को छान लीजिए और गौमूत्र फेंक दीजिए। और उसके बाद आप बागची को किसी सूती कपड़े पर छांव में फैला दीजिए और इसको 3 से 4 दिन को बढ़िया से सूखने दीजिए। दोस्तों, आपको बागची को छांव में सुखाना है, धूप में नहीं। आप इसको छांव में सुखा लीजिए,
सुखाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप इसको बढ़िया कोट पीस कर पाउडर बना लीजिए। चाहे आप मिक्सी में पीसिए, चाहे आप सिल बट्टे पर पीसिए, आपकी मर्जी है। आप कोट पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए और आपको इस पाउडर का इस्तेमाल आधा चम्मच छोटे चम्मच से आधा चम्मच सुबह खाली पेट करना है दोस्तों। और इसको खाने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आपको दोस्तों इस पाउडर का इस्तेमाल रात में सोते समय करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आप खाना पीना खा के लेट जाइए, उसके बाद आधा चम्मच छोटे चम्मच से आप इसको ले लीजिए। दोस्तों अगर आपका सफ़ेद दाग बहुत तो पुराना हो चुका है तो इससे धीरे धीरे आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। आप इसको लगाइए दोस्तों, इसको पीस पाउडर बनाकर पीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक महीने में काफ़ी फर्क दिख गया है, आपका सफ़ेद दाग लाल होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आप एक बार यकीन करके ये दवा अपने आप बनाइए या मुझसे मंगवाइए दोस्तों। और अगर आपने इतना पैसा खर्च ही कर दिया तो दोस्तों 1000-2000 रुपये की बात न देखिए दोस्तों, और आप इसका इस्तेमाल करिए एक बार, आपका सफ़ेद दाग जड़ से गायब हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। मैंने बहुत से लोगों को ये दवा दिया है और बहुत से लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं और बहुत से लोग इस दवा का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर छाल पीसने में कोई दिक्कत होती है तो आपको घिसना कैसे है, इसको घिस लीजिए, घिस कर दवा निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि आप इस छाल को घिस कर कैसे दवा निकाल सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी फर्श पर या सील बट्टे पर ऐसे थोड़ा पानी गिरा देना है। ये देख पा रहे होंगे आप, आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि हमने पानी गिरा दिया है। और आपको लेना है ये देखिए छाल, और आपको इसी पानी पर इसको घिसना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दवा ये छूट गई है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अब ये सफ़ेद सफ़ेद दवा निकल गई है। अगर आपको कम है सफ़ेद दाग तो आप इसके ऐसे घिस लीजिए और घिस कर अपने इसे उंगली में लगाकर आपको सफ़ेद दाग पर अपने लगा लेना है और इसे छोड़ देना है। ये 5 से 7 मिनट में सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करिए और सूखने के बाद आप इसको लगाकर सो जाइए, पूरी रात लगा रहने दीजिए, सुबह उठ के धुल दीजिए। दोस्तों आप मात्र एक महीना इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपका सफ़ेद दाग धीरे धीरे जड़ से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे बताए अनुसार एक बार इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपको सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा है तो आप इसको सिल बट्टे पर पीस लीजिए खूब बढ़िया से पानी मिलाकर, उसके बाद लगाइए। अगर कम है तो आप इस तरह कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दवा पूरा निकल गई है, छूट गई है। थोड़ा ताकत लगा के घिसना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आप इसको लगा लीजिए ले जाकर। दोस्तों धीरे धीरे आपका सफ़ेद दाग जड़ से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आपको सफ़ेद दाग वाली दवा जो छाल है, इस छाल को कैसे घिसना है और कैसे दवा निकालना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको तो अगर ये जानकारी पसंद आई, अगर आपको दवा खुद बनाना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देता हूं, आप मेरे पास कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप दवा मुझसे मंगवाना चाहते हैं फिर भी आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूं, आप मेरे पास कॉल ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं, अगर आप विटिलिगो ल्यूकोडर्मा से परेशान हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी और देसी घरेलू जानकारी लेकर हाजिर हो सकूँ। और दोस्तों आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा अगर आप सफ़ेद दाग से थक हार कर बैठ गए हैं तो। आप मान लीजिए, यकीन मान लीजिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सफ़ेद दाग चंद महीनों में जड़ से गायब हो जाएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को ये दवा दी गई है, बहुत से लोगों का ठीक हुआ है। अब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर कि किनका किनका ठीक हुआ है। दोस्तों थोड़ा भी बिजी था, मैं जा नहीं पा रहा हूँ पेशेंट से मिलने। अगर पेशेंट मेरे पास आएंगे तो मैं उनका वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आपके सफ़ेद दाग का इलाज हो सकता है,
तो आप मेरे पास बेझिझक कॉल करिए, मैं जितना मेरा खर्चा आया रहेगा दोस्तों, इसलिए कि पतंजलि का जो गौमूत्र होता है थोड़ा महंगा पड़ता है, जितना मेरा खर्चा आया रहेगा दोस्तों मैं उतना पैसा लेके आपको दवा भेजूंगा यहाँ से कोचर द्वारा, आप वहाँ दवा रिसीव करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई सफ़ेद दाग वाला पेशेंट परेशान ना हो और एलोपैथ और आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको सफ़ेद दाग की समस्या है तो आप मुझे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।